हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमाचल में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन वैकेंसीज़ की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वैकेंसीज़ हैं क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और पियोन की, जो कि रिक्रूटमेंट ये कंडक्ट करवाई जा रही है डीसी ऑफिस ऊना के द्वारा। तो डीसी ऑफिस ऊना के अंतर्गत ये वैकेंसीज़ भरी जा रही हैं। इसके लिए पहली बात तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली नहीं है तो आपकी जो एजुकेशन है वो HP वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से की होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं वैकेंसीज़ के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले इसमें बात करें अगर क्लर्क की, तो क्लास 3 नॉन गेजेटेड पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 रहेंगी, जिसमें से एक वैकेंसी रिज़र्व है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और एक वैकेंसी जो है वो है लोकोमोटर इम्पेयर्ड इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये है क्लर्क की वैकेंसीज़। दूसरा इसमें है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की वैकेंसी, जिसमें एक वैकेंसी है ये जो कि रिज़र्व है लोकोमोटर इम्पेयर्ड इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तीसरी जो वैकेंसी है वो है पियोन की, जो कि डेली वेज बेसिस पे जो वैकेंसी है ये निकाली गई है। ये रिज़र्व है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए। इसमें अगर पेमेंट की बात करें तो क्लर्क जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसका पेमेंट होगा आपका 5,910 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर क्लर्क के लिए, तो आप 10+2 पास होने चाहिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में देखें तो आपको नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। तो ये है क्लर्क के लिए। अब अगर बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए, तो इसके लिए आपका पेमेंट रहेगा 5,910 से 20,200 प्लस 1950 ग्रेड पे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की इसके लिए अगर बात करें तो आपका 10+2 जो है पास होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, जो कि किया हो आपने कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर IT में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आपके पास ओ या फिर ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए NIE LIT से, या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए IT से जो रिकॉग्नाइज्ड या ITI के द्वारा आपने किया हो, और आपकी जो है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो हिंदी होनी चाहिए। तो ये था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए। अब अगर पियोन के लिए बात करें तो पियोन के लिए जितने भी अप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर इसके लिए लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, तो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहुंचने की 16 मार्च 2020, और जितने भी ट्राइबल एरियाज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश से आते हैं उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 दिन ज़्यादा रहेगी, यानी कि 16 मार्च से आगे 5 दिन प्लस करके उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि उनके लिए 21 मार्च 2020 जो है वो लास्ट डेट रहेगी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश के इस एड्रेस पे पहुंचने चाहिए 16 मार्च 2020 से पहले पहले। और आप ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके। एज लिमिट की अगर आपकी बात करें तो आपकी एज जो है वो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिलअप करके अपनी ओन हैंड राइटिंग में भेजना होगा। ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे। और उनके साथ ही साथ आपको एक अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप जो है जिसके ऊपर 5 रुपये की स्टैंप लगी हो वो भी इसके साथ जो है आपको भेजना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजने हैं, जो मैंने एड्रेस आपको बताया है उस एड्रेस पे 16 मार्च 2020 से पहले पहले। और साथ ही में ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट भी आपको भर के भेजना होगा, और इसके ऊपर आपका फ़ोटो भी लगा होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सारा
HP उना की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इथे गाइज आज की इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।